हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब में। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊँगा कि अपना चैनल का कीवर्ड किस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चैनल का कीवर्ड क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ। चैनल का कीवर्ड, जैसे आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद आप टाइटल और टैग लगाते हैं। जैसे टाइटल लगाते हैं हाउ टू अर्न मनी, तो टैग उससे रिलेटेड लगाना पड़ता है। जैसे क्या, हाउ टू अर्न मनी इन इंडिया, अर्न मनी, मनी, इस तरह से आप देते हैं जो कि वीडियो सर्च इंजन में आने लगता है। तो उसी तरह आप चैनल में कीवर्ड और टैग दोनों सेम होता है। अगर कीवर्ड आप चैनल का कीवर्ड लगा देते हैं तो आपका चैनल जो सर्च लिस्ट में आने लगता है बहुत जल्द। जैसे कि मेरा चैनल का नाम है दीपक टैगोर, तो अगर कोई टैगोर से भी सर्च करेगा तो भी चले आएगा, दीपक से सर्च करेगा तो वो भी आएगा। अगर दीपक रॉन्ग भी रहेगा, जैसे दीपक में DIPOK दे देते हैं, तो अगर वो भी सर्च करेगा तो भी मेरा चैनल सर्च लिस्ट में चले आएगा। तो इसे ही कहते हैं चैनल का कीवर्ड। तो अब मैं आपको बताऊँ चैनल का कीवर्ड किस तरह से लगाया जाता है। तो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन को ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है youtube.com। तो youtube.com आ गया है, तो आपको आप क्लिक करना है ये 3 डॉट वाले आइकन पे राइट साइड में जो रहा है, और इसको कर लेना डेस्कटॉप साइड में ओपन। तो इसको कर लेता हूँ डेस्कटॉप में ओपन। अब ये हो गया है डेस्कटॉप में ओपन। इसके बाद आपको करना क्या है, आपका ये राइट साइड में देख रहे हैं चैनल का ऑप्शन, चैनल का जो लोगो है राइट साइड में, तो आपको उस पर कर लेना है क्लिक। चलिए तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब देख रहे हैं इसे नीचे मारा है योर चैनल करके ऑप्शन, आपको इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इसे दो ऑप्शन आ रहा है, एक कस्टमाइज चैनल, एक आ रहा है यूट्यूब स्टूडियो। आपको जाना है यूट्यूब स्टूडियो पर। तो ये आ गए हैं यूट्यूब स्टूडियो पर। यूट्यूब स्टूडियो पे आने के बाद आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में सबसे नीचे में एक रनिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग, रिपोर्ट और रनिंग। तो आपको ये रनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस देख रहे होंगे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, आपको करना है अदर पे सिलेक्ट और कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद ये ऑटोमेटिक से रिफ्रेश होकर नया पेज ओपन हो जाता है। तो हो सकता है आप में कोई और ब्राउज़र मांग ले, तो मेरे में तो क्रोम में ही हो गया। तो मैं अब मैं जाता हूँ, आपको जाना है लेफ्ट साइड में चैनल वाले ऑप्शन पे आ रहा है, ऑप्शन पे कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ऑप्शन में एक एडवांस का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको एडवांस पे जाना है। अब इस जगह देख रहे होंगे चैनल कीवर्ड, तो अब आपको जाना है चैनल कीवर्ड पे। मैं इसको पूरा कर लेता हूँ बैक। इसको किस तरह लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। कीपैड में आपको नंबर वाले आइकन के साथ पहले जाना है। तो आप देख रहे हैं स्टार के साइड में कोमा का ऑप्शन आ रहा है, डबल कोमा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब अपना चैनल का नाम दे दीजिए, जैसे मेरा चैनल का नाम दीपक टैगोर, मैं दीपक टैगोर दे देता हूँ। दीपक टैगोर, फिर से वो कोमा लगा देना है, फिर वो कोमा, तो सॉरी स्पेस देना है आपको, फिर से वो कोमा। अब मैं सिर्फ दीपक देता हूँ, दीपक, फिर कोमा, स्पेस, कोमा, इस बार मैं टैगर लगा देता हूँ, फिर वो स्पेस। इस तरह से आप लगा सकते हैं। और आप जैसे कि मैं इसलिए दे सकता हूँ अपना जहाँ उसका एड्रेस है वो एड्रेस भी दे सकता हूँ, दीपक रॉन्ग कर दूँगा, टैगर लगा दूँगा, टैगोर लगा दूँगा। अगर जो कोई टैगर से भी सर्च करेगा तो वो भी आ जाएगा, दीपक रॉन्ग भी रहेगा तो वो भी चले आएगा। तो इस तरह से आपको कीवर्ड लगाने के बाद आपको करना है थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे। स्क्रॉल करने के बाद आपको कर लेना है इसके सेव वाले आइकन पे क्लिक। तो ये देख सकते हैं ये हो गया है सेव। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही।